हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको साड़ी पहनना बहुत पसंद है और पहनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है? जो हम इस तरह से प्लेटें डालने उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, वो परफेक्ट नहीं होती है। तो इस साड़ी में मैं आपको बताऊंगी कि आप प्लेटें किस तरह से डालें। और ये हमारा जो स्टार्टिंग का जो है पल्लू, यहाँ से लगाने वाला है, इसका हम राउंड लगा के किस तरह से कितना मेजरमेंट लेके हम यहाँ प्लेटें डाल सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, तो वो मैं आज आपको बता रही हूँ। यहाँ से हम 1 मीटर लेके जो स्टार्टिंग है पॉइंट है हमारा, वहाँ से 1 मीटर कपड़ा छोड़ने के बाद, यहाँ से आप देख सकते हो 1 मीटर कपड़ा मैंने छोड़ दिया और यहाँ यहाँ से स्टार्ट किया है मैंने। तो ये देखिए 5 इंच के करीबन मैं यहाँ प्लेटें डालूँगी। इस तरह से आप इसे पिन से सिक्योर कर सकते हैं ताकि ये बार बार में हिले नहीं, क्योंकि जॉर्जेट कपड़ा है तो हिल जाएगा, और कॉटन हो तो फिर भी आप सेफ्टी के लिए एक बार लगा लें। तो यहाँ हम इस तरह से प्लेटें डालने के बाद क्या करेंगे, देखिए मैंने दोनों तरफ पिन लगा ली है। और यहाँ मैं क्या करूँगी, ये देखिए आप प्लेटें देख सकते हो, 4 प्लेटें आई है इसमें। अगर आपकी साड़ी की लेंथ ज़्यादा है तो आप 5 या 6 भी डाल सकते हैं, तो हमारी इसकी लेंथ थोड़ी कम थी। और यहाँ हम सिलाई डाल देंगे। यहाँ से प्लेटें डालने के आगे का हिस्सा मैंने 2 मीटर छोड़ा है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे प्लेटें डाल के सिलाई डाल दी है। तो इस तरह से आप फटाफट इस साड़ी को पहन सकते हैं। ये देखिए प्लेटें भी कितनी परफेक्ट लग रही है। तो इस तरह से आप तैयार करके अपना जो भी है फंक्शन, उसमें आप साड़ी फटाफट पहन के जा सकते हैं। यहाँ से हमें 1 मीटर छोड़ना और आगे हमें 2 मीटर छोड़ना, बाकी हमें जितनी भी प्लेटें आ रही है उतनी डाल दो, 4 या 5 जितने भी। हमारा इसका थोड़ा सा लेंथ कम था इसलिए 4 ही प्लेटें आई है, पर 4 से भी इतना हमें कम नहीं लग रहा है घेर इसका। तो ये देखिए आप फटाफट पहन सकते हो और बच्चे भी इसे पहन सकते हैं। तो मेरी आज की ये टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। और इसके अलावा भी अगर आप ऊपर जो कंधे पे प्लेटें होते हैं उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय फ्रेंड्स।